हरियाणा प्रदेश सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पीएम मोदी ने हरियाणा प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी। गुरुग्राम में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन हुआ। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भीड़भाड़ को कम करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये एक्सप्रेसवे भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का अहम भाग है। इससे मौजूदा नेशनल हाईवे 48 पर भी ट्रैफिक में कमी आएगी और दिल्ली गुरुग्राम के बीच यातायात सुगम होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली से गुरुग्राम का सफर होगा आसान, लंबे जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन, पीएम मोदी ने दी हरियाणा को बड़ी सौगात। हरियाणा को प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बड़ी सौगात दी। सड़कों पर अब रफ्तार तेज होगी, जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि गुरुग्राम में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन जो कर दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भी कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। दरअसल शामली अम्बाला नेशनल हाईवे की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी, जिसकी लागत 4,980 करोड़ रुपए है। उधर भिवानी हांसी रोड का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया, इसकी लागत आएगी 1,330 करोड़ रुपए। और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसकी अभी तक लागत 4,087 करोड़ रुपए आ चुका है। इन सभी परियोजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण शामिल है। पीएम मोदी ने बड़ी सौगात देते हुए आखिर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे, टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये इलाका NCR के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इसे NCR का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित हरियाणा, विकसित भारत के सपने को अपने मजबूत संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपने विकास की सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा को आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए कहा कि वो और मनोहर लाल बहुत लंबे समय से साथ हैं और खुशी की बात तो ये है कि आज भी हम दोनों साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का
एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित हरियाणा, विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत की प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ना ही मैं छोटा सोचता हूँ, ना ही मामूली संकल्प लेता हूँ। मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का अपना सपना पूरा करना है और विकास की इस रफ्तार में दिल्ली और NCR क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उन्होंने कहा कि आज जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का हम उद्घाटन कर रहे हैं, उसके निर्माण में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी भूमिका रही है। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए, इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्त, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है जी। पीएम मोदी की तारीफ से गदगद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा की धरा पर पहुंचने पर उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा की 2,82,00,000 जनता की ओर से उनके द्वारा दी जा रही विकास योजनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का विशेष लगाव रहा है और इन 10 सालों में केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की 2,82,06,995 के सदस्यों का की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जैसा आदरणीय गडकरी जी ने बताया, हमने मांग की थी कि गुरुग्राम का जो हाईवे है, जयपुर हाईवे, वहां ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए एक बाईपास के रूप में द्वारका एक्सप्रेसवे ये बना दिया जाए। उन्होंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा, हमको ये अनुमान नहीं था। जो आज स्वरूप देख रहे हैं, एक सामान्य बाईपास निकलता है तो मैंने भी कह दिया कोई 200-300 करोड़ रुपया लग जाएगा। नेशनल हाईवे की ओर से इतनी सहायता हमारी हो जाए हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रोजेक्ट का बनाया गया और बनने के बाद ये तैयार होकर के आज जैसा माने प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों ने भी उसका अवलोकन किया, तो वास्तव में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल गुरुग्राम, न केवल हरियाणा, बल्कि उत्तर भारत के सब राज्य, दक्षिण भारत के सब राज्य, पश्चिम के हिस्से के लोग, चाहे एयरपोर्ट आना जाना हो दिल्ली से बार बार, चाहे हमको जयपुर जाना हो, मुंबई जाना हो, इसका बहुत बड़ा उपयोग। और ऐसा प्रोजेक्ट जैसा वर्णन किया है हमारे नितिन गडकरी जी ने, इस प्रोजेक्ट को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आज बहुत मैं
आपके आगमन पर, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जताई कि देश की आबादी का 2% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। देश में हरियाणा की मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी 10% तक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की अहम योजनाओं का केंद्र बिंदु रहा है और वन रैंक वन पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अहम अभियान हरियाणा की धरा से ही शुरू हुए हैं। आज हरियाणा के 4 बड़े विकासात्मक प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिनके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जगभर आगमन हुआ हरियाणा में, हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देश भर में आपने शुरू कराया वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ, वन रैंक वन पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर ये भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो अम्बाला से शामली का हो अथवा अम्बाला से चंडीगढ़ का हो अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी ये एक सड़क का भी एक हाईवे के नाते से इसके भी उसके भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। तो आपके आगमन पर जो हरियाणा के विकास, चाहे पिछले दिनों में एम्स की बात हो अथवा उससे पहले भी, चाहे हमारे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, केएमपी और केजेपी उसका भी लाभ हमको यहाँ मिल रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि हरियाणा में विकास की एक बहार, विकास की एक गाथा ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सभी विभागों ने जो हमें कृपा की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आज जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। उन्होंने विकास परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी इस परियोजना को पूरा करने में बड़ी भूमिका रही है। कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए आज हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उनमें से भी अलग है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत आनंद का और समाधान का विषय है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। UR2 में करीब 30 लाख टन से ज्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसके अनुरूप अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये रोड बनाते समय 12,000 पेड़ ऐसे थे जो तोड़ने की परमिशन हमको मिली थी, पर हमने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको जिंदा रखा है और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का भी प्रोजेक्ट किया, प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं होता, उनके ही मांग पर इस कार्य का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 3 महीने में हम अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER2 का उद्घाटन करेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लोगों का सफर आसान होगा क्योंकि दिल्ली IGI एयरपोर्ट आने वाले लोगों को अब जाम से निजात मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। प्रोजेक्ट निर्माण में 30,000 टन कचरे का प्रयोग किया गया।
हरियाणा 7S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, सेवा, स्वाभिमान और सुशासन को लेकर सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नौकरी, ट्रांसफर, इंटरव्यू, CLU, लाइसेंस आदि की व्यवस्था में कई तरह का परिवर्तन किया गया। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। पढ़ाई के बाद युवा को राज्य में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और तो और मेरिट में न आने वाले युवाओं को रोजगार के लिए बैंकों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ठेकेदारों के आर्थिक शोषण पर रोक लगाकर HKRNL के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। और यही कारण है कि CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। या तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और देश का नाम भी हरियाणावासी रोशन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।